बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो है एसटी लूप। ये एस सर्कल के बाद जो हमें काम करना होता है वो एसटी लूप का होता है। और एसटी लूप के लिए इंसान को पता होना चाहिए कि किस लिए इस्तेमाल होता है और लूप क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे एसटी लूप और फिर हम नेक्स्ट अपना काम करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है एसटी। एसटी का तो पता है कि यहाँ पर एस है और टी का कंसोनेंट के लिए ये इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, और लूप के बारे में अगर किसी को पता हो तो ये वैज्बी शक्ल में होता है, अंडे की तरह। ठीक है, इस तरह होता है, सर्कल नहीं होगा, वैज्बी शक्ल में होता है। ठीक है, तो ये एसटी की आवाज के लिए लूप इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब एसटी लूप का इस्तेमाल शुरू में भी है, दरमियान में भी है और आखिर में भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कितनी किस्म के कंसोनेंट्स हैं। तो हमारे पास दो किस्में हैं, एक है कर्व और दूसरी है स्ट्रेट। कर्व स्ट्रोक्स हैं। आगे फर्दर इसकी एग्जाम्स हैं स्ट्रेट, अपवर्ड स्ट्रोक्स, स्ट्रेट डाउनवर्ड स्ट्रोक्स एंड थर्ड स्ट्रेट होरिजॉन्टल स्ट्रोक्स। ठीक है, तो ये चार किस्म के जो स्ट्रोक्स हैं इनके लिए जो है हम अलग अलग रूल्स पढ़ेंगे कि इनके कहाँ हमने प्लेस करना है एसटी लूप को। ठीक है, तो रूल सबके लिए एक होगा मगर लूप लगाने का तरीका एक होगा, अलग होगा। रूल क्या है, वो कहता है कि अगर लफ्ज के शुरू में एस टी दरमियान या आखर पर एस टी जेड टी एस डी जेड डी की आवाज आए तो लूप का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि आपने वहां पे एक लूप लगाना है और छोटा लूप लगाना है। ठीक है, और कवर करना है, लूप आपने छोटा ही लगाना है। लूप जो है वो छोटा लगाएंगे। ठीक है, अब मेरे पास वर्ड है वास्ट, तो वा सिर्फ यहाँ पर एस टी लूप आ रहा है, एस टी की आवाज आ रही है, यानी कि उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, एस टी लूप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वा वा लिख लेंगे, ये वा आ गया, आगे हम एक लूप बना, ये बन जाएगा वास्ट। ठीक है, ये तो था सिर्फ जस्ट सिंपल जो कर्व स्ट्रोक के लिए है। ठीक है, इससे पहले आपको ये समझना होगा कि कर्व स्ट्रोक जो है हमेशा, फॉर एग्जाम्पल हम एफ ले लेते हैं, इसकी हमेशा हमें इनसाइड जो है
इनसाइड ये ही यूज करते हैं, जो इनसाइड जो है ना वो ये है, ये वाला हिस्सा। बाहर वाला आपने कोई भी हिस्सा ये इस्तेमाल आपने नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे आपको ये चीज नहीं लगाने, हमेशा जो है लूप जो आपने लगाना है वो आपने इनसाइड में यानी कि अंदर वाली तरफ लगाना है, ठीक है। शुरू में या दरम्यान में या आखिर में आपने अंदर वाली तरफ ही लगाना है, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद फर्दर वर्ड्स करते हैं, वर्ड है मस्ट, तो एम मा आगे एस टी के लिए लूप लगा देंगे, बन जाएगा मस्ट। वर्ड है स्टोर, इसमें देखे ना शुरू में आ गया स्टोर, यहाँ पर एस टी शुरू में आ गया, उसके बाद आ गया ओ। याद रहे कि सिर्फ लफ्ज के शुरू में एस टी के लिए लूप इस्तेमाल होगा, बाकी इन तीनों के लिए नहीं होगा, दरमियान या आखिर में ये तीनों के लिए भी इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो स्टोर शुरू में एस टी आ रहा है, उसके बाद ओ है और आर है, आर वाला कंसोनेंट इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि आखिर में कोई वावल नहीं है, तो हम क्या करेंगे आर के शुरू में वावल और स्टोर फॉर्म बनाएंगे, ये बन जाएगा स्टोर, ठीक है जी। इसी तरह वर्ड आज तक है, यहाँ पर स्टेम है एस टी ई एम, एस टी लूप एंड एम स्टेम शुरू में आ रहा था, शुरू में लगा दिया। अब बात यह है कि आपने ये वाला वाउल कहाँ पे लगाना है, एस टी लूप के बाद होगा, तो ये अंडरस्टूड बात है कि आपने जो कंसोनेंट है कंसोनेंट से पहले, अगर यहाँ पे हमने कंसोनेंट से पहले उसको लगा दिया, यानी कि बिफोर में है कंसोनेंट, कंसोनेंट के बिफोर में हमने वो वाउल जो है वो प्लेस कर दिया, ठीक है। इसके बाद हमने करना है करस लूप, हमेशा लूप की डेफिनेशन यही रहेगी, इसमें हम चेंज करते रहेंगे स्ट्रोक्स को। अभी ये जो हमने प्रोसेस किया ये हमने किया कर्व स्ट्रोक, आगे करना है स्ट्रेट स्ट्रोक, ठीक है। तो हम करते हैं लूप फॉर स्ट्रेट स्ट्रोक्स, ठीक है। तो स्ट्रेट स्ट्रोक्स मतलब तीन किस्म के हैं, एक है स्ट्रेट अपवर्ड, दूसरा स्ट्रेट डाउनवर्ड एंड स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल। तो तीनों के लिए जो रूल्स हैं वो अलग अलग होंगे। पहला हम लिखेंगे स्ट्रेट अपवर्ड के लिए, यानी कि वो स्ट्रेट स्ट्रोक्स जो नीचे से ऊपर की तरफ लिखे जाते हैं, इनका एस टी लूप बाईं तरफ लगाएं। इनके वो स्ट्रेट स्ट्रोक जो नीचे से ऊपर की तरफ लिखे जाते हैं, इनके स्ट्रेट अपवर्ड, अपवर्ड मतलब कि ऊपर से नीचे, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ये वाले स्ट्रोक्स हैं। तो अब इनका जो आपने एस टी लूप लगाना है वो आपने बाईं तरफ लगाना है, यानी कि लेफ्ट साइड पे आपने इसको लगाना है। वर्ड है रेस्ट, आर ई एस टी रेस्ट। अब रे जो है वो अपवर्ड है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर रे लिखेंगे, उन्होंने रे एस टी के लिए यहाँ पर लूप बना रेस्ट, ठीक है जी। इसी तरह वर्ड है वेस्ट, ठीक है। अब वेस्ट क्या लिखते हैं, ये है वे एस टी लूप बाइनर में लगा देंगे, बन जाएगा वेस्ट। इसी तरह वर्ड है स्टोरी, एस टी ओ आर वाई, यहाँ पर एस टी आर है, आखिर पर डी है, यानी कि रे का इस्तेमाल हो रहा है, क्या करेंगे स्टो, एस टी पहले शुरू में लिखेंगे, ये आएगा स्टो, ये आएगा री, स्टो री, ठीक है जी, स्टो री, ये आपने यानी कि शुरू में भी हमने लगा दिया। तो शुरू में भी जब इस्तेमाल किया है तो हमने जो लूप लगाया वो
लेफ्ट साइड पर उसके बनाना शुरू किए, यानी कि बाएं तरफ से बनाना शुरू किए। तो जो भी स्पेड अपवर्ड स्ट्रोक होंगे उनके जो अगर शुरू में भी आ रहा है या आखिर पे आ रहा है, तो जो आपने लूप बनाना है वो आपने बाएं तरफ से, ठीक है। इसी के बाद इस रूल में हम थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे, यहाँ पे यहाँ अपवर्ड है, यहाँ पे हम कर देंगे डाउनवर्ड डाउनवर्ड स्ट्रोक्स, ठीक है। और यहाँ पर हम जो हमारी है डेफिनेशन इसकी वो भी चेंज कर देंगे, जो ऊपर से डाउनवर्ड वही होती है जो ऊपर से नीचे की तरफ लिखे जाते हैं, इनका ऐसी लूप दाएं तरफ लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम दाएं तरफ लगाएंगे, तो दाएं तरफ लगाएंगे जैसे है वर्ड फास्ट। अब पी तो स्ट्रेट डाउनवर्ड है ना, नीचे की तरफ आता है, इस तरफ नीचे की तरफ को सफर कर रहा है, तो पास्ट को किस तरह लिखेंगे, पी आ जाएगा वर्ड में पा एस की लूप दाएं तरफ लगा देंगे, ठीक है, ये बन जाएगा पास्ट, ठीक है जी। वर्ड है पास्ट, पी ए डबल एस ई डी पास्ट, तो ये पा ये सर एस और डी के लिए भी हम लूप का इस्तेमाल करते हैं, तो पास्ट पास्ट एक तरह ही लिखे जाएंगे, सेंटेंस का डिफरेंस होगा। वर्ड है स्टेड एस टी ए वाई ई डी स्टेड, तो ये स्टे ए वाला वॉवल है, आगे डी है हमारे पास, तो शुरू में स्टे आ रहा है, तो स्टे और डी आ जाएगा ऑटोलाइन, ये बन जाएगा स्टेड, ठीक है जी। इसी के बाद आखिरी रूल जो करना है वो करना है स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल के लिए, यहाँ पे हम कर देंगे हॉरिजॉन्टल। स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल में सिर्फ दो ही स्ट्रोक्स आते हैं और वो है के एंड गे, सिर्फ दो स्ट्रेट स्ट्रोक्स, जो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स है वो दो है, के और गे, यानी कि के एंड गे, ये सिर्फ दो ही स्ट्रोक्स हैं स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल। तो इनका जो आपने लूप लगाना है वो आपने ऊपर की तरफ लगाना है, स्टेटमेंट लिख देता हूँ, यानी कि कहते हैं स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स का एस टी लूप ऊपर लगाए, यानी कि इसका जो आपने एस्टीट्यूट लगाना है वो आपने ऊपर वाली तरफ, क्योंकि इसका दायां बायां नहीं होता, क्योंकि स्ट्रोक हॉरिजॉन्टल होता है, इसका दायां या बायां नहीं है, इसका ऊपर है नीचे है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसका जो लूप बनेगा वो ऊपर ही बनेगा, यहाँ पर इन दो जगहों पर बन सकता है, ठीक है। तो इसी के एक एग्जाम्पल है, वर्ड आस्क्ड है स्टॉक एस टी ओ सी के स्टॉक, आप शुरू में एस टी है, बाद में के की बात आ रही है, वाला ऑफ वाला है, तो एस टी पहले बनेंगे के आ जाएगा स्टॉक, ठीक है। लूप क्या किया हमने, लूप ऊपर भी बनाया है, ठीक है, और वावल को भी हमने करेक्ट प्लेस किया है। वावल की प्लेसिंग याद रखें, आपकी शॉर्ट हैंड जब भी बेस्ट होगी जब आप प्लेसिंग का ध्यान रखेंगे, ठीक है, यानी कि आपकी पोजीशन स्टॉक होनी चाहिए, सबसे पहले कि मैंने अगर ऑ वाला वावल है तो सबसे पहले स्टॉक को बफ लाइन लिखना है, और दूसरी प्लेस स्ट्रॉक होनी चाहिए जहाँ पे आपने वावल लगाना है, इन दो चीज़ों से आपकी शॉर्ट हैंड बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। ये आपको मैंने करवा दिया, इसी के बाद कहता है कि अगर एस टी लूप के बाद एस सर्कल बोले तो सर्कल लूप लिखने के बाद साथ ही जोड़ देंगे, यानी कि आपने क्या करना है कि जो एस टी लूप के बाद अगर सर्कल बोला तो आपने जैसी लूप को लिखा है उसके बाद ही आपने एक सर्कल बना देना, यानी कि इतना कोस्ट कोस्ट लिखा है कोस्ट था यहाँ भी इसी तरह सर्कल, यानी कि जैसी पेंसिल आ रही है आपने दूसरी तरफ आकर सर्कल बना देना, ठीक है। मैं यहाँ पर
इतना किया था, अगर वेस्ट्स आ गया तो फिर क्या करेंगे, ये वे एस टी लूप और यहाँ पर ही हम सर्कल को मार्क लगा देंगे, ठीक है। उसी तरह हमारी पेंसिल में देखिए, मैं दूसरी तरह कर रहा हूँ ताकि पेंसिल नजर आए, ये एस टी लूप बनाए, यहाँ से आकर दूसरी साइड पर सर्कल बन गया, ये बन गया वेस्ट, ठीक है जी। इसके बाद कुछ हमने अभी तक एग्जाम्पल्स नहीं की, यहाँ पर दरमियान में इस्तेमाल हो रहा है एस टी लूप, तो उसकी कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स है, जैसे वर्ड है टेस्टिंग, ये आगे टेस्ट। अब यहाँ पर जरूरत है इंक को लिखने की, तो हम क्या करेंगे, टेस्ट लिखिए यहाँ पर, यहाँ पर हम इंक लगा देंगे, ये बन जाएगा टेस्टिंग। तो ये दरमियान में हमारे पास आगे है वर्ड है आर्टिस्टिक, तो आर्टिस्टिक यहाँ पर आर्टिस्टिक, तीन जो सिलेबस है इसमें ये वर्ड्स, ये जो वर्ड है आ रहा है, ठीक है। होमवर्क आपने किस तरह करना है, आपने आ जाना है पेज नंबर 41 पर, पेज नंबर 41 पे आ जाएंगे फिटमेन लूप कोर्स के, और यहाँ पर जो टॉपिक हमारा होगा वो एस टी लूप का होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर वर्ड्स जो लिखे होंगे वो कर्व के लिखे होंगे, फास्ट, मिस्ट, मस्ट, ऑनेस्ट, असिस्ट। इसके बाद कुछ स्ट्रेट स्ट्रोक्स हैं, फिर स्ट्रेट अपवर्ड है या डाउनवर्ड है इसमें आ रहे हैं। उसके बाद जो अभी अभी हमने एस वाला किया, अगर एस टी लूप के बाद एस सर्कल आ जाएगा तो उस में हम क्या करेंगे, देन फिर दरमियान वाले वर्ड्स हैं जिनमें एस टी लूप दरमियान में आ रहा है, और आखिर पर दी हुई है शॉर्ट फॉर्म्स, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट फॉर्म्स हैं, ये आपने कर लेनी है। साथ कुछ फ्रेजेस भी हैं जैसे फर्स्ट, मोस्ट, इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस्ड, नेक्स्ट, ऑल, दो, एंड शॉर्ट फॉर्म जो फ्रेजेस हैं उसके साथ साथ के साथ उन्होंने ऑल लगाया है, जैसे ऑल दो, ऑल राइट, ऑलरेडी, ऑलवेज, ऑलमोस्ट, ऑल्सो, एज फर्स्ट, एज, ठीक है। ये आपने कर लेना है। इसके बाद जो आपने एक्सरसाइज प्रिपेयर करनी है वो पेज नंबर 42 पर होगी, एक्सरसाइज नंबर 31, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना लगे तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, ठीक है जी। फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।